गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मिजोरम T20 के बारे में। ये जो मैच होने वाला है CHC वर्सेस RVCC के दरमियान। इस वीडियो में दोस्तों हम आपके साथ की प्लेयर्स की न्यूज़, प्लेयर स्टेटस, टॉप ग्रैंड लीग टीम शेयर करेंगे, टॉप क्लास कैप्टन और वाइस कैप्टन ऑप्शंस के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ इस मैच के फाइनल टीम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम के लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम दोनों टीम्स की रीसेंट परफॉर्मेंस, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, पिच रिपोर्ट पर एक नज़र जरूर डालेंगे। दोस्तों अगर हम बात करेंगे लास्ट 5 मैच की, तो दोनों ही टीम्स की परफॉर्मेंस शानदार है। अगर बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले CHC की, इन्होंने लास्ट 5 के 5 मैच में दोस्तों सारे के सारे मैच जीते हैं। वही RVCC की बात करेंगे दोस्तों, इन्होंने 4 मैच में कामयाबी हासिल की है। दोनों टीम्स के दरमियान 3 हेड टू हेड मैच हुए हैं, जो तीनों के तीनों CHC ने दोस्तों जीते हैं। इससे ये पता चलता है कि थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम की अगर हम बात करेंगे, तो CHC की टीम आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम देखने को मिल जाएगी। और ग्राउंड की अगर हम दोस्तों बात करेंगे, पिच रिपोर्ट 120 यहाँ का एवरेज स्कोर रहने वाला है। और साथ ही साथ इसका मतलब ये है कि बॉलिंग डिपार्टमेंट को यहाँ पर सपोर्ट मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों आपको डायरेक्ट मैच 1 बाय 1 टीम का प्रीव्यू दिखाऊंगा, और कॉपी नहीं करोगे आपको फाइनल टीम्स हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको कॉपी नहीं करना है। तो प्यारे दोस्तों, ये जो टीम्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनका जो कैप्टन वाइस कैप्टन है वो बिल्कुल मतलब आप कॉपी कर सकते हो, उसमें कोई शक नहीं है। वो क्योंकि मैंने बेस्ट से बेस्ट प्लेयर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन चूज़ किया है। लेकिन आपसे उम्मीद है कि आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे आगे आने वाले तमाम तर वीडियोज़ के लिए। तो चलिए पहले टीम पर नज़र डालते हैं। इसमें आपको 2 विकेट कीपर, 2 बैट्समैन, 2 ऑलराउंडर और 5 बॉलर देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इस ग्राउंड पर ज़्यादा विकेटें गिरने वाली है, बॉलिंग को ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है, इसलिए मैंने इनको पिकअप किया। सबसे पहले बॉलिंग डिपार्टमेंट पर ही एक नज़र डालते हैं। दोस्तों अगर हम बात करेंगे LVeritty & Rai, ये दो जो प्लेयर्स हैं दोस्तों, इन दोनों ने अभी तक 6-6 विकेट निकाले हैं। लास्ट के कुछ ही मैच इन्होंने खेले हैं और 6-6 विकेट निकाले, और साथ ही साथ फील्डिंग भी बहुत अच्छी की। अगर दोस्तों बात करेंगे FLeritty और S Levempi ने, एक ने दोस्तों 7 विकेट निकाले, दूसरे ने दोस्तों 8 विकेट निकाले और थोड़े से रन भी बनाए। दोनों ही अच्छे ऑप्शन, 7 विकेट 8 विकेट बेहतरीन ऑप्शन है। अब बचे दोस्तों वैलन मिरो, ये जो ऑप्शन है दोस्तों, इसने अभी तक 13 विकेट इस लीग में निकाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो कैप्टनसी की बात करेंगे, यहाँ पर वैलन मिरिटी के साथ भी आप जा सकते हो, और बाकी ये जो ऑप्शन बचे आप इनको वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन की। ऑलराउंडर सेक्शन में दोस्तों यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसने दोस्तों अभी तक विकेट भी निकाले हैं और साथ ही साथ बैटिंग भी की है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस में है, परफॉर्मेंस दिखा रहा है, कंसिस्टेंसी दिखा रहा है। और अगर हम बात करेंगे इस वाले प्लेयर की, ज़्यादा परफॉर्मेंस तो दिखा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों इसको देखा जाए तो अच्छी मतलब 4 ओवर डालने का मौका मिल सकता है। साथ ही साथ दोस्तों ये आपको बैटिंग करते हुए भी नज़र आ जाएगा, टॉप ऑर्डर में ही टॉप क्लास ऑप्शन है, और हाईली रिस्की ग्रैंड लीग टीम में इसको भी कैप्टन ट्राई किया जा सकता है। अब हम कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करेंगे। दोनों तो बैट्समैन हैं, लेकिन दोस्तों ये ऑलराउंडर का रोल निभाएंगे। अपने कोटे का जो इनका ओवर है, 2 से 4 ओवर ये दोनों आपको डालते हुए नज़र आ जाएंगे। हर मैच में तकरीबन इन्होंने 1 विकेट निकाला है और 25 से ज़्यादा रन इन्होंने स्कोर किए हैं। दोनों की परफॉर्मेंस सेम है। अभी तक इस लीग में दोनों ने 400 से ज़्यादा ड्रीम 11 पॉइंट्स को स्कोर किया है। हर मैच में विकेट निकालना एवरेज और 25 रन से ज़्यादा स्कोर करना, इन दोनों का एवरेज है, तो आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हो कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है। वही यहाँ पर आप चाहो तो इनमें से किसी एक को ड्रॉप करके वे एक्स्ट्रा बैट्समैन, एक्स्ट्रा ऑलराउंडर या एक्स्ट्रा बॉलर ले सकते हो। ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको विकेट कीपिंग से पॉइंट मिल सकता है, हो सकता है इनको बैटिंग मिले इतना वहाँ से पॉइंट मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा इनसे उम्मीद नहीं रखी जा सकती। दूसरी टीम पर नज़र डालते हैं, कॉपी नहीं करना, टेलीग्राम पर टीम मिल जाएंगे। दूसरी टीम पर फटाफट से नज़र डालते, इसमें आपको 1 ही विकेट कीपर, 2 बैट्समैन, 2 ऑलराउंडर और 6 बॉलर देखने को मिल जाएंगे। यहां पर दोस्तों मैंने और एक बॉलर को पिकअप किया, ये भी अच्छी फॉर्म में चल रहा है और थोड़े से विकेट निकाले हैं, आपको थोड़े रन भी बना के दे सकता है। वही कैप्टन की बात करेंगे दोस्तों, जिसने 13 विकेट निकाले हैं उसको मैंने यहां पर कैप्टन ट्राई किया है। और वाइस कैप्टनसी की बात करेंगे, ये वाला ऑप्शन, इसने भी अभी तक तकरीबन 6 विकेट निकाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों आपको बैटिंग करते हुए भी नजर आ जाएगा। आप चाहो तो इन 2 मेन प्लेयर्स को आप कैप्टन ट्राई कर सकते हो इस मैच में। अगर सबसे ज़्यादा कैप्टनसी ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, वो तो वो ये 4 प्लेयर्स है जहां पर आपको ज़्यादा कैप्टन देखने को मिल जाएंगे। हालांकि अगर किसी नए प्लेयर को खेलने का मौका मिला, हम उसके साथ भी जा सकते हैं। टीम नंबर लास्ट नॉट लीस्ट पर नज़र डालते हैं, इसमें 1 विकेट कीपर, 2 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर, 5 बॉलर देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ से मैंने V Carnoldy को पिकअप किया, इसने 2 ही मैच खेले थे, दोनों में शायद ड्रीम टीम में आया था और विकेट भी निकाला था, लेकिन उसके बाद इसको खेलने का मौका नहीं मिला। अगर आज के मैच में इसको खेलने का मौका मिला तो अच्छा हो सकता है।
और प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है, इसलिए मैंने इसको पिकअप किया है। बाकी कैप्टनसी तो चेंज नहीं कि वही घुमा फिरा के कैप्टन बनाया है, आप अपने हिसाब से इनमें से किसी एक को वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, ये जो मैंने आपको प्लेयर्स बता दिए। दोस्तों मिलेंगे आपको फाइनल टीम्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर, फिलहाल आप दीजिए इजाज़त, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।